ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशुलकाय चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से हमारा कार्तिक मास भी स्टार्ट हो गया। होप आप सबने आज से दीप दान स्टार्ट कर लिया है। तो हम लोग 1 महीने तक रोज दीप दान करेंगे। एंड आज हम लोग सनातन शिक्षा पे जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना लूंगी। उसके बाद बिकॉज कार्तिक मास चल रहा है तो हम लोग दूसरे और टॉपिक्स भी कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है सनातन शिक्षा का। तो आज जितना होगा उतना हम लेंगे, जितना समराइज कर सकती हूँ मैं कर लूंगी। एंड जो रह जाएगा तो वो मेरे पिछले बार क्लास से जो उसके जो रिकॉर्डिंग है वो हम शेयर कर देंगे। तो हम इसमें से कुछ बोलना ही नहीं है। ऑडियंस हमारे पूरे भारत से जो लोग हैं आपको दलित दे चुके हैं। दलित का नाम आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। मतलब माय गॉड एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, तो आज हमसे जितना हो पाएगा सनातन शिक्षा का, क्योंकि सनातन शिक्षा में एक टॉपिक जो हमने कृष्णा तत्व पे किया है तो वो सारा ही कवर होगा। सृष्टि लीला तक वो पूरा है वो पार्ट इसमें। तो हम स्टार्टिंग का जो नहीं कवर किया है वो कर लेंगे, और फिर जो रह जाएगा तो वो जो मेरी पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग है वो हम शेयर करेंगे। तो और क्योंकि कार्तिक मास है तो हम श्रीमद भागवतम से कुछ लेकर वो कथा बोलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमें करना है वो हम करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सनातन शिक्षा हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एंड सनातन गोस्वामी का मिलन होता है, और कितने प्रेम से और कितनी मतलब करुणा और दया से श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं, उनके उनके शरीर पर जो धूल जमी है उसे साफ करते हैं, उन्हें कितना अपनापन देते हैं, और किस तरह एक लास्ट उनके पास सनातन गोस्वामी जी के पास एक लास्ट उनका एक कंबल बचा था जो बहुत महंगा था एंड बहुत कीमती था। तो किस तरह उन्होंने उसको किसी मेंडिकेंट यानी किसी फकीर जैसे किसी बंदे को दे दिया। एक ब्राह्मण था जो गंगा घाट पे स्नान कर रहा था, गरीब सा था, जिसके पास फटा पुराना कंबल था, तो उसके साथ उन्होंने एक्सचेंज कर लेते हैं। और वो एक लास्ट जो मटेरियल अटैचमेंट था इस संसार के प्रति वो भी उनका उस कंबल के साथ खत्म हो जाता है। तो अब क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना अपनापन दिया सनातन गोस्वामी को, तो अब उनके अंदर थोड़ी हिम्मत मतलब ये हिम्मत भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर दी है, ये एम्पावरमेंट भी उनके अंदर देते हैं, जिससे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को क्वेश्चंस करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें आंसर करते हैं। तो जैसे कि हम जब अपने गुरु से मिलते हैं तो एक रिवील्स वाला फीलिंग होता है कि हमें बहुत अंदर से एक हम इतने जल्दी ओपन नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब गुरुदेव की तरफ से हमें वो अपनापन प्राप्त होता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो फीलिंग आता है और हम उनसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सनातन गोस्वामी को भी इतना अपनापन मिला श्री चैतन्य महाप्रभु से कि अब वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या करते हैं कि तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन विनती करे दादे तीना लाना, यानी मुंह में एक स्ट्रॉ रख के जिससे घास का एक चिंता अपने मुंह में रख के वो पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, और बहुत हम्बल होकर बहुत पूछते हैं कि मैं तो नीच जाति का हूँ, मेरा संग ही नीच है, क्योंकि मैं मुस्लिम लोगों के साथ यानी अपने आप को नीच जात बोलते हैं। बोलते हैं कि मैं बहुत ही लो फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म हुआ है और मैंने जिन लोगों के साथ एसोसिएट किया है वो भी लो क्लास मैन है, यानी वो उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ एसोसिएट किया था और मैं बहुत ही नीच हूँ, और आपके चरणों में पढ़कर मैंने अपना पूरा जीवन कैसे पाप में
उलझा दिया, मटेरियल लाइफ, मेरा पूरा लाइफ ही मटेरियल है, मैं मटेरियल लोगों के साथ, नीच लोगों के साथ, नीच जन्म है मेरा, और इस तरह मैंने अपना जीवन बेवजह पास कर दिया है। आपन और हिता हिता किछु ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडिता ताय सत्य मानी। बोलते कि मैं बिल्कुल कुछ जानता नहीं हूँ, कि मेरे लिए क्या अच्छा है ये मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँ। मेरा जो डीलिंग्स है, जो रोजमर्रा मेरी डीलिंग होती है, वो किसके साथ होती है? ऐसे लोगों के साथ जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, वो जो बहुत ऑर्डिनरी है, जो बिल्कुल भी जिनका स्पिरिचुअल लाइफ से कुछ कनेक्शन नहीं है। और वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को, मतलब वो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं बहुत स्कॉलर हूँ, और मैं भी अपने आप को ऐसा ही मानता था। मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत लर्न हूँ। कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उद्धार, आपन कृपाता सहे कर्तव्य आमार। मतलब आपकी कृपा के कारण आपने मुझे उस भौतिक संसार के जीवन से बाहर निकाल दिया। उस जैसे हम भौतिक संसार को गटर जैसा बोल सकते हैं, कि जब कोई वैष्णव हमारे जीवन में आता है तो वो हमें उस गटर में से बाहर निकाल देता है। सच में ये जो मटेरियल लाइफ है बिल्कुल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, क्योंकि हम वहां रहते हैं, उस जगह पे होते हैं, तब हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल भी ज्ञान, मतलब हमको ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम आए क्यों है, हम लोग उसी में एंटेंगल होकर रह जाते हैं। हमें बस रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह उठो, का खाना बनाओ, का खाना खाओ, काम पर जाओ, पढ़ाई करो, वापस लौट आओ, फिर सो जाओ। मतलब हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की हम इच्छा भी नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते। लेकिन महाप्रभु ने उन्हें बिना अहेतु की कृपा करके, बिना किसी, जब हमने कोई बिना किसी कारण के ही कृपा करता है, कुछ पाने की इच्छा के बिना जब कोई हमें कृपा करता है, तो उसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। तो आउट ऑफ गॉडलेस मर्सी उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को वहां उस भौतिक संसार से बाहर निकाल लिया। तो अब वो पूछते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मेरा क्यों जन्म हुआ और मैं क्यों आया हूँ। तो वो पूछते हैं के आमी केनो आमारे जारे ताप प्राय, ईहा नहीं जानी केमने के खाए। तो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे ये थ्री फोर में से मुझे तीन तरह के ताप क्यों परेशान करते हैं, मुझे नहीं पता मेरा भलाई किसमें है। तो हम लोग ने शुरू से ही, जब से हमारा कृष्णा की ओर कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग ने ये सब बातें, हमारा सबसे पहला क्लास यही था कि हु एम आई। तो यही ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पूछना चाहिए कि हु एम आई, क्योंकि हम हमेशा कितने सारे डेसिग्नेशंस लेकर जीते हैं। हम लोग क्या क्या अपने आप को समझते हैं कि ये मेरा नाम है, मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, मेरा ये कास्ट है, मैं यहाँ काम करता हूँ, यानी मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बट दिस ऑल आइडेंटिटी किसका है? हमारे शरीर से रिलेटेड है। हमने जहाँ जन्म लिया है, उन्होंने हमें जो नाम दिया, वो नाम लेकर ये मेरा सो एंड सो नाम है, मैं इस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, या मैं इंडिया में हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। हाँ होगा, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने यही बात बोला था शिला प्रभुपाद को। फर्स्ट टाइम जब उनकी मीटिंग हुई थी, तो प्रभुपाद उस वक्त महात्मा गांधी के बहुत, मतलब उनको बहुत लाइक करते थे, उन्हें उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को। तब शिला प्रभुपाद जो सीनियर प्रभुपाद है, तब उन्होंने बताया था कि ये हमारा रियल प्रॉब्लम नहीं है, इस कंट्री को आजाद कराना ये हमारा रियल प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स का रियल प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि हम क्यों जन्म लेते हैं, हम क्यों बीमार होते हैं, हम इस थ्री फोर मिजरी से क्यों गुजर रहे हैं, ये हमारी बुढ़ापा, जन्म, जरा, व्याधि, ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारा रियल प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हमारे साथ क्या हुआ है,
ये हमारा रियल प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने मिजरीज क्यों झेल रहे हैं। वो असली मिजरी नहीं है कि इस कंट्री को, ये कंट्री स्लेव है। तो आज हम इंडिया में है, जन्म लिया है तो हम इंडियन हो गए, तो हम इसको हम इंडियन इंडिया के लिए फेवर में बोलेंगे। कल हम दूसरे कंट्री में, इंग्लैंड में हो गए तो हम उसके फेवर में बोलेंगे। चलो, हम लोगों का कुछ भरोसा नहीं, हम कहीं भी जन्म ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में हमारे प्रॉब्लम क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन तरह के ताप हैं जिनके बारे में श्री सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे ये तीन तरह के ताप क्यों परेशान करते हैं। व्हाई दिस थ्री फोर मिजरीज मेरे बॉडी में अराइज होते हैं या हमारे जीवन में अराइज होते हैं। हमारा मन क्यों दुखी रहता है? जब हमें आध्यात्मिक दुख प्राप्त होता है तब क्या होता है, हमारा शरीर बीमार होता है और हम मानसिक रोग से भी पीड़ित होते हैं। तब जब हम मानसिक रोग से पीड़ित हो या हम शरीर से बीमार हो तब ये हमारे ऊपर आध्यात्मिक ताप होता है, आध्यात्मिक दुख होता है। फिर जब हमें कोई दूसरा जीव आत्मा परेशान करता है, यानी कभी हमें कोई कुत्ता काट लेता है, कभी कोई मच्छर भी काट ले, या परजीव से जब हमें कुछ तकलीफ प्राप्त होती है तो ये आदि भौतिक होता है। और आदि दैविक होता है जो देवताओं की तरफ से प्राप्त होता है, यानी दैविक होता है वो, जैसे सनातन गोस्वामी जी यही बात पूछ रहे हैं कि साध साधना तत्व कुछ ही थे ना जानी, कृपा करी सभा तत्व कहा था आपने, यानी क्या है मेरे गोल का लाइफ, मैं तो ये बिल्कुल जानता ही नहीं। कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे सत्य बताइए, मुझे तत्व बताइए। तत्व माने जीवन का, हमारा तत्व क्या है, हमारे इस ह्यूमन लाइफ में आने का कारण क्या है, वो सत्य क्या है। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, सबा तत्व जाना तुम्हार नहीं तापत है। यानी कृष्ण की कृपा, कृष्ण ने बहुत कृपा की है सनातन आप पर, इसलिए आप सारे तत्व पहले से ही जानते हैं। दैट मीन्स यू नो, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, और आपको कोई तीन ताप परेशान नहीं कर रहा है, बिकॉज सनातन ऑलरेडी डिवोटी है, बहुत बड़े भक्त है। जो वैष्णव जन होते हैं वो जब क्वेश्चंस करते हैं, एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे पर, जीवों पर कृपा करने के लिए, उनके हित के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के सामने क्वेश्चंस पूछा था, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान कृष्ण का भक्त था, वो हमेशा उनके साथ रहा था, तो कैसे वो अज्ञानी हो सकता है। तो ये भगवान की योग माया थी जिसके कारण अर्जुन को, अर्जुन ने उस समय कृष्ण को जो क्वेश्चन पूछे वो हमारे हित के लिए था, ताकि जब हम ऐसे सिचुएशन में हो तो वहां से हम कैसे निकल सकते हैं। कृष्ण को जो गीता का ज्ञान देना था, इसलिए अर्जुन ने वो क्वेश्चन उनसे पूछे थे। तो यहाँ पर भी सनातन को श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप पर कृष्ण की बड़ी कृपा है, और आप सब आपको सारा तत्व ज्ञान है, और आपको कोई थ्री पोल मिसेज परेशान नहीं कर रही है। कृष्ण शक्ति धरा तुम्हीं जान तत्व भाव, जानी दाधिज्या लागी पूछे साधुर स्वभाव। यानी ये साधु का स्वभाव होता है, साधु मतलब सेंटली पर्सन, शुद्ध वैष्णव, ये साधु का स्वभाव होता है कि वो इंक्वायरी करते हैं। अचिरात एवा सर्वथा सीधा यति एषाम अभी सिता, सद्धर्मस्य वालो वा बोधाया येषां निर्बंधनी मासी। यानी जो लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अवेकन करना चाहते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को जानना चाहते हैं, और जिनके अंदर भगवान अपने इस गोल को अचीव करने के लिए अनफ्लिंचिंग फेथ होता है, यानी जो जो बहुत दृढ़ता से ये जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन का गोल क्या है, उनको ही ये सत्य प्राप्त होता है, यानी उनके सामने ही ये सत्य मैनिफेस्ट होता है। जिनके अंदर इच्छा ही नहीं, जिनके अंदर संसार के सुख को ही भोगने की इच्छा है, उनके अंदर कभी भी ये जिज्ञासा नहीं आती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ।
तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो हमें ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि आमी यानी हु एम आई, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ मुझे किसने बनाया है। ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए कि हु हैज मेड मी, हु एम आई एंड व्हाट आई एम डूइंग इन दिस प्लैनेट। योग्य पात्र हाउ तुम्हें भक्ति प्रवर्तते क्रमे सब्बा तत्व सुना कहिए तुम्हारे। तो आप फिट हो, डिवोशनल सर्विस जो है इसको, इसका प्रीचिंग करने के लिए, इसको प्रोपगेट करने के लिए आप एक फिट कैंडिडेट हो, यानी आप इस सत्य को सबको बांट सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिए जो मैं अभी आपसे, जो सत्य मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात श्री सनातन गोस्वामी को बोलते हैं और फिर उन्हें उत्तर देते हैं। वो कहते हैं जिवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर चतुर शक्ति वेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण ऐसे अग्नि ज्वाला छाए, स्वाभिव का कृष्णेरा तीन प्रकाश शक्ति है। यानी जीव का स्वरूप, जीवेरा स्वरूप यानी हम जो जीव आत्मा है, हमारा स्वरूप क्या है, हम नित्य कृष्ण के दास है, मतलब यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा स्वभाव भी है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। अगर हम कृष्ण के दास नहीं बनते तो हम अपनी कामनाओं के कारण माया के दास बन जाते हैं। तो जीव आत्मा का स्वरूप ही यही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, और वो क्या है, श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है जिसके बारे में हमने इस मटेरियल जो हमारा मन चित बुद्धि अहंकार है, ये जो हमारा सटल बॉडी है और जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, इसके कारण हम इस मटेरियल वर्ल्ड में खींचते रहते हैं, और जो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो भगवान कृष्ण का अंश है, तो वो स्पिरिचुअल है। तो कभी हम इसलिए हम हमारे अंदर दोनों ही गुण है, हम कभी इस तट पर, मतलब हम तट पर है, कभी हम इस हमारे अंदर ये गुण ज्यादा आ जाता है, कभी हमारे अंदर की तरफ हम ज्यादा खींच जाते हैं, तो कभी हम मटेरियल की तरफ। तो इसलिए हम क्या है, तटस्थ शक्ति है। भेदा भेद प्रकाश, हमें और कृष्ण में भेद भी है और हम अभेद भी है। कैसे, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है, तो हमारे अंदर सेम गुण है, सेम क्वालिटी है, तो हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम में कोई भेद नहीं। लेकिन बिकॉज हम उनका बहुत ही, जैसे हमने रूप शिक्षा में भी पढ़ा था कि वी आर जस्ट 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर हमारा ये साइज है, तो हम बहुत इनफिट, बहुत छोटे से हैं। तो इतने छोटे होने के कारण हम में वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो कृष्णा में है। कृष्णा इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बट वी आर डिपेंडेंट, तो हम कृष्ण की तरह नहीं है, इसलिए ये हमारे अंदर भेद है और हम कृष्ण के जैसे हैं, इसलिए ये अभेद है। जैसे सूर्यांश किरण, जैसे सूर्य का किरण होता है, लेकिन सूर्य और किरण में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन सूर्य सूर्य होता है और किरण किरण होता है, वो दोनों एक दिखते हैं लेकिन फिर भी अलग होते हैं। बिना सूर्य के किरण नहीं हो सकता, तो इसी तरह बिना कृष्ण के हम नहीं हो सकते। जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र का अगर एक जल हम अपनी हथेली पर ले तो उसमें जो गुण है और समुद्र के जल में जो गुण है वो सेम होगा, लेकिन अगर, लेकिन जो समुद्र है उसमें लहर आती है, क्या इस हथेली में जो एक बूंद जल है उसमें लहर आएगा, नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है कि हम में डिफरेंस भी है और हम सेम भी है, तो
इसे कहते हैं भेद अभेद प्रकाश। एकादेशा स्थितस याग्देव ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदाम अखिलं जगत। तो हम भगवान की तीन शक्तियों में से कौन सी शक्ति है? भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, एक है भगवान की चित शक्ति, और एक है भगवान की अचित शक्ति, और एक है जीव शक्ति। तो इन तीन शक्ति में से हम जो भगवान की दोनों शक्तियों का हमारे अंदर गुण आ जाता है, और भगवान की ये तीन शक्तियां हैं। तो जैसे यहाँ भी वही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे फायर का जो रोशनी होता है वो एक फायर अग्नि एक जगह होती है, लेकिन जो उसकी रोशनी है वो सब जगह फैल जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो परब्रह्म है, और उनके कारण उनकी जो एनर्जी है वो ऑल ओवर यूनिवर्स फैली हुई है। कृष्ण का स्वभाविका तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो इसी तरह कृष्ण का जो तो जो ओरिजिनल एनर्जी है श्री कृष्ण की वो स्पिरिचुअल है, और जो लिविंग एंटिटी है माने हम सब जो जीव आत्माएं हैं वो भी स्पिरिचुअल है। लेकिन एक और उनकी शक्ति है, उसको हम इल्यूजन यानी माया बोलते हैं, जो फ्रूटिटिव एक्टिविटी जो कर्मिक है वो है इल्यूजन यानी माया शक्ति। ये भगवान की तीसरी शक्ति है। मैन के लिए इनकंसीवेबल है, यानी हम उसको समझ नहीं सकते। वो भगवान की जितनी भी क्रिएटिव एनर्जी से, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, उसको हमारे लिए समझना मुश्किल है। भगवान कैसे क्रिएट, उनका प्रोसेस ऑफ क्रिएशन होता है, वो क्रिएट करते हैं, वो पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं, और फिर वो विनाश भी करते हैं यानी एनिहिलेशन भी करते हैं। तो इसके लिए उनके जो टू एनर्जीज है, जैसे अग्नि होती है, अग्नि में दो शक्ति है, वो क्या है, एक तो वो हमें हीट देती है, गर्मी देती है, और दूसरा हमें रोशनी देती है। तो इसी तरह हमें भगवान जो भगवान की जो क्रिएटिव एनर्जी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान की जो शक्ति है उसे हम कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन हम कभी भी उसको समझ नहीं सकते। वो इतना विस्तार है उसका कि उसे समझना कठिन है। जो क्षेत्रज्ञ शक्ति है यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इसके बारे में हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, लिविंग एंटिटी। जहाँ पे मतलब हम ये लिविंग एंटिटी क्या है, यहाँ पे वो कर्म करता है, क्योंकि जब हमें वो कोई शरीर प्राप्त होता है तो हम उस शरीर से क्या करते हैं, कर्म करते हैं। हमें शरीर मिलता ही हमारी इच्छाओं के कारण है। तो क्षेत्रज्ञ शक्ति हो गया, उसे ऑल्दो ही हैज द फैसिलिटी टू लिव, यानी भगवान ने हमें जीव आत्मा बना के, हम लोग ने भगवान से भी एनवी, हमने कृष्ण से हमें ईर्ष्या हो गई, जिसके कारण हमें हमें कृष्ण की तरह भोग विलास करना था, इसलिए हम इस संसार में तो आ गए, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्री विल था। या तो हम भोग में लिप्त हो जाते, या तो हमें कृष्ण का विरह महसूस होता और हम कृष्ण के पास जाने की इच्छा करते। और जब हम इस संसार में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भोग भोग की भोग वासना को पूरा करने आते हैं, हम अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने आते हैं, जिसके कारण हमें तीन तरह के ताप परेशान करते हैं। जब तक हमारे अंदर भोग वासना की, मतलब भोगने की इच्छा है,
वासनाओं को भोगने की इच्छा है तब तक ये थ्री फोल्ड मिसेजेस यानी आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक ये जो तीन तरह के मिसेजेस है ये हमें तब तक की परेशान करते हैं जब तक ये हमारा ध्यान इस संसार के सुख को भोगने के लिए होता है। जैसे ही हमारा ध्यान यहाँ से हटता है और कृष्ण की तरफ जाता है तो हम ये जो थ्री फोर मिजरीज है ये खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हमने कुंती महारानी की शिक्षा में भी पढ़ा था और जाना था कि उन्होंने खुद बताया था कि कैसे हम जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो क्या करते हैं वो हम पर कृपा करते हैं। भगवान अवतार आते हैं फिर भगवान अपनी लीलाएं छोड़कर अप्रकट होते हैं। जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं तब हम उनकी इन लीलाओं का की कथा करते हैं सुनते हैं बोलते हैं पढ़ते हैं और जब हम ये कर रहे होते हैं तब हम इस संसार के इन तीनों तरह के तापों से मुक्त होते हैं। जो लिविंग एंटिटीज है वो इस तरह इस अंधकार में जीवन से में कवर हो जाता है। वो जो माया माया की शक्ति के कारण हम एकदम कवर हो जाते हैं। जो माया देवी जो है वो हमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जब तक हम इन तीन गुणों के अधीन होते हैं माया देवी इन तीन गुणों के अधीन करके ही हमें नचाती है। जैसे हम कोई कठपुतली है और हमें इन तीन धागों से बांध दिया गया है और फिर माया देवी हमें इन तीन धागों से नचाते रहती है वो कौन से रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो जब तक हम इस संसार में है हम भूल जाते हैं हम कृष्ण को भूल जाते हैं और फिर माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं और वो फिर जैसे चाहे हमें नचाती है। हमें कभी कभी इस भौतिक संसार को ने की लालच होता है मतलब वही वो हमें हमारे सामने लालच लेकर आती है और हम उसके मतलब हम उनके जाल में फंस जाते हैं और एंट्रैप हो जाते हैं। इस तरह ये भगवान की जो माया देवी है वो भगवान की इंटीरियर एनर्जी है। तो यहाँ पे भगवद गीता का ये श्लोक है अपरेयाम इतस्व अन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाबाहो ये दाम धारयते जगत। तो भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि इस इंटीरियर एनर्जी के अलावा मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है जो लिविंग एंटिटीज है जो जीवात्मा है जो जीवात्मा इस संसार को भोग रही है वो इंटीरियर नेचर है। तो भगवान ने बोला था कि क्योंकि हम लोग जब तक इस संसार के भोग में लिप्त हैं तो हम भगवान के इंटीरियर नेचर में है और जब हमें ये रियलाइज होता है कि हम हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है और जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं तब हम इंटीरियर से सुपीरियर में आ जाते हैं। कृष्ण भूली से ही जीवा अनादि बहिर्मुख अतेव माया तारे दिया संसार दुख। यानी कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से बहिर्मुख हो गया है। बहिर्मुख यानी हम माया देवी के जो इस रचना है संसार की दुर्गा माँ की जो ये संसार है दुर्ग माने जेल होता है और ये जेल में हम लोग को अलग अलग तरह की सुख सुविधाएं बनाने में लगे हुए हैं अपने संसार को बसाने में लगे हुए हैं जो कि यहीं पे छूट जाने वाला है कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा और हम उसी में लगे रहते हैं। तो ये माया देवी का खेल है कि उसने हमें उलझा दिया है कि हमें यही सच लगता है। हम लोग हमेशा चैंटिंग के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि मुझे नहीं हमारा हमको ये काम है वो काम है इतना ये करना है जबकि लाइफ ऐसे होना चाहिए कि पहले कृष्ण होना चाहिए उसके बाद इस दुनिया की चीज होनी चाहिए। तो फॉरगेटिंग कृष्णा हम लोग ने जो एक्सटर्नल फीचर बहिर्मुख हो गए हैं इसलिए माया हमें इस संसार का दुख दे रही है। तो कल आप लोग ने इसके आंसर दिया था जो बहुत सुंदर था हर किसी ने बहुत सुंदर लिखा था हार्दिक प्रभु ने और अरिजीत प्रभु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस आंसर को। कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक दुखाए डुबाए दंड्या जाने राजा ना नंदिता छुपाए नदी ते छुपाए। तो ये कैसा है हमारा दुख कि कभी हमें स्वर्ग में जैसा एक नदी है उस नदी में कोई हमें डुबाता है और उठाता है डुबाता है उठाता है। तो बहुत देर तक अगर एक नदी है किसी ने हमारा सर पकड़ लिया और उसको हमको नदी के अंदर डुबा दिया
फिर वो सिर ऊपर खींचता है, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है, क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं। जब पानी के अंदर होते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। और जब उसमें से जब हम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाए, तो जब हम सांस ले पाते हैं, तो लगता है यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सुख बड़ा बल यही है। तो ये संसार का सुख ऐसा ही है, यानी जब कोई राजा किसी कैदी को सजा दिया है और उसको बार बार पानी में डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, डुबा रहे हैं, उसका सर ऊपर उठा रहे हैं, तो वो जो एक मोमेंट होता है जब वो सांस ले पाता है, तो वो उसके लिए सुख होता है। तो इस संसार में जो दो दुखों के बीच का जो पल होता है, उसे हम सुख मानते हैं। कि अभी एक दुख आया, फिर थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स ही हुए थे कि तभी दूसरा दुख आ गया। तो ये जो दो दुखों के बीच का पल था, इसे हमने सुख मान लिया। यही हमारा मटेरियल कंडीशन है, यही हमारा सुख है इस संसार में, कि हम दो दुखों के बीच के पल को ही सुख मान लेते हैं। भयं द्वितीया भिनिवेशाच्यात् ईषदपेतस्य विपर्यायो स्मृति तन्माया यातो बुधा अभजेताम् भक्त्याय केशकायेषां गुरुदेवात्मा। जब लिविंग एंटिटी इस मटेरियल एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाता है, जो कृष्ण भगवान है, वो मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में कभी नहीं आते। ये हम लोग ने कृष्ण तत्व क्लास में भी जाना था, जो हमारा कृष्ण तत्व क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था सनातन शिक्षा में, और वही सब कुछ है, वो उसमें से ही लिया जाता है। तो जो कृष्ण भगवान है, वो कभी भी माया देवी के कांटेक्ट में नहीं आते, मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में नहीं आते। और जो लिविंग एंटिटी है, वो इस मटेरियल एनर्जी से अट्रैक्टेड हो जाता है, जो मटेरियल एनर्जी कृष्णा से सेपरेटेड है। और इसलिए मटेरियल एनर्जी से अट्रैक्ट होने के बाद हम हमारे अंदर फियर रहता है। फियर क्या होता है कि बिकॉज हम कृष्णा से अलग हैं, हमारा सबसे पहला रीजन फियर का ये है, बिकॉज वी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद कृष्णा। हम माया देवी के अधीन है, और जो भौतिक संसार की चीजें हैं उससे हम अट्रैक्टेड हैं। और भौतिक संसार की चीजें कभी भी सनातन नहीं होती, वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो बस कुछ पल के लिए ही सुख आता है। तो जब वो सुख होने का सुख आता भी है हमारे जीवन में, तो हमें क्या लगता है कि ये पता नहीं अब कब चला जाएगा, तो उस सुख के खोने के भय हमारे अंदर लगा रहता है। तो 100% हम लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं, चाहे हमारे कितनी भी इच्छाएं क्यों ना पूरी हो जाए, हमें मन में ये भय रहता है कि अभी तो मेरे पास ये चीज आया है, लेकिन अगर ये मुझसे चला गया तो, ये मुझसे छीन गया तो क्या होगा। तो 100% हम लोग खुश कभी नहीं होते, जब तक कि हम कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आते, जब तक कि हमारी खुशी कृष्ण के साथ नहीं जुड़ जाती, वी आर ऑलवेज इन फियर एंड एंग्जाइटी। हमें हर वक्त डर और भय लगा रहता है। इनफैक्ट हम लोग ये बात को महसूस करते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो हमारे अंदर अजीब सा, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कुछ खोने का डर नहीं होता है, ऐसा लगता है कोई है जो हमें संभाल लेगा, भगवान है जो हमारे साथ है। वो भगवान के साथ जो होने की फीलिंग होती है, वो हमारे अंदर के सारे भय को, डर को बाहर निकाल लेती है। लेकिन वही जब हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, तो एक अलग तरह का अंदर से भय बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है। हरे कृष्ण। तो इस संसार में रहने के कारण हमें मटेरियल चीजों का, को खोने का भय निरंतर लगा रहता है, कुछ भी हमें सुकून से प्राप्त नहीं होता है। तो कृष्ण जो है, वो हमारे अंदर चैत्य गुरु है। कृष्ण को हम चैत्य गुरु बोलते हैं, क्योंकि वो हमें अंदर से गाइड करते हैं। कृष्ण हमेशा हमें अंदर से गाइड करते रहते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं, हम कथा सुनते हैं, श्लोक बोलते हैं, तब धीरे धीरे जो हमारा जो
कनेक्शन टूटा है कृष्ण से, वो जुड़ने लगता है, और जैसे जैसे ये कनेक्शन जुड़ने लगता है हमें हमारे अंदर के चैत्य गुरु की आवाज सुनाई देने लगती है। हमारा कॉन्शियसनेस गंदा होता है तो उसको चैंटिंग से हम क्लीन करते हैं, साधु संघ से वो क्लीन होना शुरू होता है। तो जब वो क्लीन होता है तब हम श्री कृष्ण की आवाज को सुन पाते हैं, वो जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में चैत्य गुरु है जो हमें गाइड करते रहते हैं उसे हम सुन पाते हैं। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण मुख है से जीवा निस्तारे माया ताहरे छाए, यानी साधु और शास्त्र यही बात अभी बोली है मैंने। तो जब हम साधुओं का संग करते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोका बोलते हैं, चैंटिंग करते हैं, जब ये कृपा हम पर होती है तब हम कृष्ण की ओर मुक्त हो जाते हैं और तब हमारे उद्धार होता है और माया हमें हमेशा के लिए छोड़ देती है। देवी हे ईशा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। जब कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मेरी माया है देवी ईशा गुणमयी, ये जो मेरी माया है ये दुरत्याया है, यानी इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम माई नेचर, मटेरियल नेचर, बट जो सरेंडर्ड सोल है जो भगवान की शरण ले लेते हैं, माम एवा या प्रपद्यन्ते यानी जो मेरी शरण लेते हैं माया में एताम चरन्ति ते, वो माया के इन जाल से बाहर निकल जाते हैं, उसे इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो माया मुक्त जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरा कृपाया केला कृष्ण वेद पुराण। मतलब जब सोल माया में माया के जाल में होता है तब उसे कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अपने आप कृष्ण तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। बट कृष्ण ने हम पर कॉजलेस कृपा की है, मर्सी की है, और इन वैदिक लिटरेचर और जो उसके पुराण है, उसके सप्लीमेंट जो है वो पुराण है, वेद और पुराण की जो रचना की है कृष्णा ने वो हमारी रक्षा करती है। उनके कारण कभी कभी हम बाय चांस हम कभी गीता गीता हमें मिल गया, किसी ने हमें दे दिया, कि जैसे हम इस्कॉन डिवोटीज को देखते हैं वो हर जगह गीता सेल करते रहते हैं, कभी हमने उनसे खरीद लिया और उसको थोड़ी ऐसे ही पढ़ लिया और फिर हमारे अंदर कृष्ण के प्रति हम उन्मुख कर दें, कृष्ण के प्रति हमारा ध्यान जाता है। तो ये कृष्ण की अहेतु की कृपा है जिसके कारण जो उन्होंने जो वैदिक लिटरेचर्स हम कंपाइल करके हमें दिए हैं, जिसके कारण हम नहीं, तो अगर ये लिटरेचर्स नहीं होते, अगर वैष्णव जन नहीं होते तो हम अपने आप हमें ये क्षमता नहीं है कि हम कृष्ण की तरफ मुड़ सकें। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपन अरे जाना ना कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवेरा या ज्ञाना, यानी जब हम कोई स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद कृष्ण की ओर मुड़ते हैं तो उसे वो स्क्रिप्चर हमारे लिए क्या होता है, शास्त्र गुरु होता है। और हमारे जैसे जीव जो भगवान को भूल चुके हैं, जब वो सांस से पढ़ के जब हमें अपने आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान होता है तब वो शास्त्र गुरु की कृपा होती है। एक कृपा होती है चैत्य गुरु की, यानी कृष्ण हमें अंदर से ज्ञान देते हैं और वो हम सुन पाते हैं, तो हम उस तरह कृष्ण की ओर मुड़ जाते हैं। कभी हम पर हमने कोई शास्त्र पढ़ा तो वो शास्त्र गुरु की कृपा होती है और हम कृष्ण की ओर मुड़ जाते हैं, और कभी होता है किसी वैष्णव की कृपा तो वो सदगुरु की कृपा होती है और हम कृष्ण की ओर मुड़ जाते हैं। तो हमें इन तीनों में से कोई एक कृपा नहीं होगी तो हम कभी भी कृष्ण की ओर नहीं मुड़ सकते। तो इसलिए इन तीनों में से कोई एक कृपा कंपलसरी होना चाहिए, या तो हम पर चैत्य गुरु की कृपा होनी चाहिए, या तो हम पर शास्त्र गुरु की कृपा होनी चाहिए, या तो हम पर कोई सद्गुरु या बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं उस शुद्ध वैष्णव की कृपा होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक कृपा के बिना हम कृष्ण की ओर कभी भी नहीं जा पाते। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य रा साधन। जो वेद शास्त्र है वो क्या बताते हैं, वो लिविंग एंटिटी को उसकी इटर्नल रिलेशनशिप जो कृष्ण के साथ उसका सनातन रिश्ता है वो उसका ज्ञान देते हैं। ये वैदिक लिटरेचर हमें बताते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, वो हमें संबंध ज्ञान देते हैं।
यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब हमें ये ज्ञान होता है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, जब तक हमें ये मालूम ही नहीं है कि कृष्ण कौन है, मेरा और कृष्ण का क्या रिश्ता है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते। जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव आत्मा है, वो इस रिलेशनशिप को जब समझती है शास्त्रों के द्वारा या चैत्य गुरु के द्वारा या शास्त्र गुरु के द्वारा या सदगुरु के द्वारा, जब हमें ये बताया जाता है कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, तब हम उस संबंध को समझने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, यानी भगवान की भक्ति करते हैं। उसे कहते हैं अभिधेय। वो तरीका है भगवान को, जब हमें भगवान के साथ अपना संबंध ज्ञान हो जाता है, तभी हम मंदिर जाना शुरू करते हैं, भगवान की घर में स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, रोज उन्हें भोग लगाते हैं, भोजन देते हैं। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये कब स्टार्ट होता है, जब हमें रियलाइज होता है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो संबंध जाने के बाद जो सेकेंड फेस होता है वो क्या होता है, अभिधेय। अभिधेय कैसे, हम उसे कैसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान की डिवोशनल एक्टिविटीज से। तो ये होता है अभिधेय। और अभिधेय क्यों होता है, डिवोशनल एक्टिविटीज का लक्ष्य क्या होता है, श्री कृष्ण का प्रेम पाना, यानी लव ऑफ गॉड है। तो ये होता है हमारा प्रयोजन, हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, और भक्ति के सारे जो भक्ति का जो भी गुण है, जो भी हम भक्ति में करते हैं, वो सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सके। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। जो डिवोशनल सर्विस है या फिर जो सेंस एक्टिविटी सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड, यानी जब हम भगवान के सेंसेस को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भक्ति डिवोशनल एक्टिविटी। जब हम अपने स्वयं के सेंसेस को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जब वही चीज हम भगवान के सेंसेस को सुख देने के लिए करते हैं, तब वो हो जाती है भक्ति। और इसी तरह भक्ति करने से ही धीरे धीरे सेवा से ही सेवा से हमारे अंदर प्रेम जागता है कृष्ण के लिए, क्योंकि हमारे हम बहुत जन्मों से हमारा हमें कुछ ज्ञान नहीं है कृष्ण का, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं था, जिसके कारण हमारा प्रेम सो गया है। इट इज इन वो सोए हुए सुप्त अवस्था में। लेकिन जब हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं, वे भी भक्ति करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है, जब हम भक्ति, हमारे अंदर प्रेम तो नहीं जागा है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम वैधि भक्ति, हम नियम से भक्ति करते हैं। भक्ति के जो नियम है, पूजा पाठ के जो नियम है, उसको नियम के थ्रू, जैसे भगवान को भोग लगाते समय हमें ये प्रार्थना करनी है, और हमें सुबह उठकर भगवान को आरती करना है, आरती में ये वाला आरती का सॉन्ग गाना है, तो ये सब होता है वैधि भक्ति। तो जब हम वैधि भक्ति से शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये सेवा से हम भगवान के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, भगवान के साथ हमारा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है, और फिर हमें ऐसे फील होने लगता है कि कृष्ण हमसे बात कर रहे हैं, या हम हमारे और उनके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब हम भक्ति धीरे धीरे यही भक्ति वैधि भक्ति से क्रॉस करके प्रेममयी भक्ति हो जाती है, और धीरे धीरे ये हमारे प्रेम में ट्रांसफर हो जाती है। और उसके बाद भी हम जब सेवा करते हैं, जब हम भगवान के प्रेम को महसूस करने के लगे हैं, और उसके बाद जब हम सेवा करते हैं, तब ये जो प्रेम को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है, सेवा होता है। जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो होता है सेवा। तो जब हम कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस करने लगते हैं, तब हम अपने आप उनके लिए सेवा करने की इच्छा करते हैं। मैंने तब वो जो वैधि भक्ति में एक बोझ जैसा फील होता था कि अभी सुबह उठ के हमें ये करना है, हमें इतने राउंड चेंज करना है, तो एक बोझ जैसा होता है जब शुरू शुरू होता है, तो वो कोई दिल से नहीं होता है, वो एक मतलब एक बंदिश है कि हाँ हमें ये करना है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रेम सेवा से ही प्रेम डेवलप होगा, और जब प्रेम डेवलप होगा, तब एक्चुअली में रियल सेवा होगी भगवान की, यानी तब वो रियल भक्ति होगी।
कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति रसारण, कृष्ण सेवा करे आप कृष्ण रस आस्वादन। तो यही है इस श्लोक का मतलब कि जब हम ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जब कृष्ण के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है और हम उस दैविक यानी ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को यानी वो आनंद को महसूस करते हैं कृष्ण के साथ, जब उस इंटीमेट रिलेशनशिप में हम कृष्ण के साथ सेवा में उस आनंद को महसूस करते हैं, तब हम उनकी सेवा करते हैं और उस सेवा में जो टेस्ट होता है, जो रस होता है, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। यानी जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले तो हम वैदिक भक्ति से शुरू करते हैं, नियमों से शुरू करते हैं, रोज उनको भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर नॉट कंपल्सरी के स्टार्टिंग में जब हम ये सब कर रहे हैं तो हम बहुत प्रेम में ही सेवा कर रहे हैं। वो प्रेम धीरे 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 जब रोज हम देती को क्लीन करते हैं, रोज उनको स्नान कराते हैं, रोज उनको मुकुट पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और ऐसे फील होने लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है। जैसे कि हमने जाना था कि 5 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने आप वो फील होने लगता है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, और फिर वो आनंद प्राप्त होना शुरू होता है। उस स्टेज पे आनंद मिलता है जब हमारा कृष्ण के साथ वो रिलेशनशिप बन जाता है और आनंद मिलना शुरू होता है, तब जो हम सेवा करते हैं प्रेम में सेवा होती है, तब हमें किसी को हमें बोलने की जरूरत नहीं कि भगवान को इतने बजे इतना भोग लगाइए, इतने बजे ये कीजिए, इतने बजे वो कीजिए, किसी को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हम ऑटोमेटिकली कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, कोई उस वक्त नियम का मायने नहीं होता है, उस वक्त प्रेम होता है, प्रेम में सेवा होती है, और उस वक्त जो हम फील करते हैं वो रस जो हम आस्वाद करते हैं वही कृष्ण प्रेम का होता है, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है। यहाँ ते दृष्टान्त या छे दरिद्रेरा घरे सर्वज्ञ अति दुख देखी पूछा है तार। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर था, एक ज्योतिष था, वो कहीं से गुजर रहा था, तो वो देखता है कि एक गरीब व्यक्ति के घर के पास आता है, तो वहां देखता है कि वो बहुत ही दुखी कंडीशन में है, बहुत ही उदास सा बैठा हुआ है, एक गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब है। तो वो ज्योतिष उसको पूछता है, तुम्हें केने दुखी तुम्हार अच्छे पितृ धन तुम्हार ना कहला अन्यत्र छाड़ीला जीवन। क्योंकि ये ज्योतिष ये जानता है, तो वो बोलता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे तुम्हारे जो पिता है वो बहुत ही वेल्दी था, बहुत ही रिच था, उसने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो कहीं दूर मर गया, यानी उसने अपना शरीर कहीं दूर त्याग दिया, जिसके कारण उसका और उसके पिता का कोई संपर्क नहीं हो पाया, और इस कारण उसके पिता उसको नहीं बता पाए कि उसके पास बहुत धन है, ये यहाँ गरीबी में बहुत दीनहीन बैठा उदास है। तो वो ज्योतिषी उसको बताता है कि तुम्हारे पिता ने कहीं दूर अपना देह त्याग दिया, लेकिन वो बहुत धन था उनके पास और वो बहुत रिच थे। सर्वज्ञरा वाक्य करे धनेरा उद्देश्य ऐसे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। तो जैसे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या है, वो सर्वज्ञ है, वो उसे न्यूज देता है उस आदमी को कि आपके पास बहुत धन है। तो इसी तरह उस एस्ट्रोलॉजर की तरह ही ये जो वैदिक लिटरेचर है वो हमें एडवाइस करते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, और हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में 3 तरह के ताप झेल रहे हैं ये हमारी किस्मत नहीं है, हमारा एक्चुअली में हम क्या है, हम एक्चुअली में हम सच्ची जा यानी बिकॉज हम कृष्ण के अंश है, तो हमारा एक्चुअल स्वभाव क्या है, वो आनंद में रहने का है, तो हम बेवजह दुखी हो रहे हैं। वैदिक लिटरेचर हमें बताते हैं कि हमारा संबंध कृष्णा के साथ है और हम उसे भूल गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इतने दुखी हैं। सर्वज्ञरा वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्र उपदेश श्री कृष्ण संबंध। यानी जैसे कि वो ज्योतिषी ने उस गरीब व्यक्ति को बोला कि उसका जो कनेक्शन उस धन के साथ जोड़ दिया जिससे कि वो सुखी हो सकता है, उसी तरह जो वैदिक लिटरेचर है वो हमें बताते हैं कि हमारा रियल कनेक्शन किसके साथ है, श्री कृष्ण के साथ है, जिससे कि हम सुखी हो सकते हैं।
मापेरा धना अछे, ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रा उपाय। वो बोलता है ज्योतिषी के तुम्हारे पिता के पास इतना धन है, और फिर वो उसको बताता है कि वो धन कहाँ है और कैसे वो प्राप्त कर सकता है। ई स्थाने अच्छे धन यदि दक्षिणे कुदिबे भीमा रूला बरुली उठिबे धन ना पाईबे। तो वो बोलता है कि वो उसे ले जाता है ज्योतिषी और उस गरीब व्यक्ति को बताता है कि देखो इस जगह पर तुम्हारे पिता ने धन छोड़ा है, लेकिन अगर तुम दक्षिण की तरफ से इफ यू देख टुवर्ड द सदर्न साइड, यानी अगर तुम उस धन उस जगह का बता देता है और बोलता है कि अगर तुम दक्षिण की तरफ से यहाँ पे खुदाई करोगे तो यहाँ से वैप्स और ड्रोन्स निकलेंगे। वैप्स और ड्रोन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। भीमा रूला बरूली यानी क्या बोलते हैं नहीं पता। वो जो उड़ने वाले पतंगे जैसे होते हैं, भौरे जैसे होते हैं जो डंक मारते हैं, तो वो जो वो अगर आपने इसको सदर्न साइड से यानी दक्षिण की तरफ से खुदाई की तो वहां से वो उड़कर आएंगे और आपको मतलब परेशान करेंगे और आप वहां पे खुदाई नहीं कर पाएंगे। पश्चिमे कुदीपे तहां यक्ष एका हया से विघ्न करीबे धना हता ना पड़े। यानी इफ यू गो टू द वेस्टर्न साइड, अगर आप वेस्टर्न साइड से पश्चिम तरफ से खुदाई करना शुरू करेंगे तो वहां पे एक दुष्ट आत्मा है यानी घोस्ट है, यक्ष है, जो आपको खुदाई कर दे ही नहीं देगा, वो जो आपको खूब परेशान करेगा, तो जिसके कारण आप वहां पे खुदाई भी नहीं कर पाओगे और उस धन को नहीं प्राप्त कर पाओगे। उत्तरे खुदीपा अच्छे कृष्ण आजा गरे धना नहीं पाले खुदीते गरीबे गिलीबे सवारे। यानी अगर आप नॉर्थ साइड से यानी उत्तर की दिशा से जाकर उस जगह को खोदने की कोशिश करोगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा काला सांप है जो वहां पे कुंडली मार के बैठा है, जो आपको डंक जो आपको मारेगा, मतलब सांप है तो वो आपको काटेगा, इसलिए आप वहां से भी खुदाई नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व दिखे ताते मती अल्प खुदीते धनेरा जारी पड़ी पाबे पड़ी बेका सोमार खाते थे। यानी लेकिन फिर भी अगर आप ईस्टर्न साइड से यानी पूर्व की दिशा पे जाओगे और बस थोड़ा सा ही हाथ से ऐसे मिट्टी उठाओगे तो वहां आपको वो धन का जो मटका है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे चार दिशा बताई गई और चारों दिशा में बाकी के तीन दिशा में बोला गया है कि अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे कुछ भौरे जैसे डंक मारने वाले वैक्स होंगे जो आपको नहीं खोदने देंगे। फिर उसके बाद पश्चिम के बाद बोलते हैं पश्चिम दिशा में आएंगे तो वहां पर एक यक्ष है, एक घोस्ट है जो आपको खुदाई नहीं करने देगा। फिर उसके बाद नॉर्थन दिशा में आएंगे यानी उत्तर दिशा में आओगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा काला सांप है जो आपको खोदने नहीं देगा। लेकिन आप अगर ईस्ट की साइड ईस्ट वाले दिशा में आओगे तो वहां पर पूर्व की दिशा में तो वहां पर आप बस थोड़ा सा ही हाथ से मिट्टी को ऐसे हटाओगे तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है वो हम जानते हैं। अच्छे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी भक्ते कृष्ण वास हया भक्ते तारे भजे। माने जो सदन दिशा था वो क्या है, वो कार्मिक लोगों का तरीका है, यानी अगर हम कर्म करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है कि वो जो भोरे हैं जो डंक मारेंगे और आपको आप कर्म करके आप कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण हमारा धन है तो कृष्ण को आप कभी भी कार्मिक तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते, बिकॉज कर्म कांड करके हम क्या करेंगे, हम बस कर्म जब हम करते हैं तो हम किसी फल की इच्छा से करते हैं। जब तक हमारे अंदर फलों की इच्छा को भोगने की मतलब कामनाएं हैं तो हम कृष्ण को कि वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो दिशा है सदन दिशा है वो कार्मिक लोगों के लिए। उसके बाद है ज्ञान ज्ञान वाली दिशा यानी
जहाँ पे एक राक्षस बैठा है, जो गोष्ठ है, जो हमें नहीं पहुंचने देगा कृष्ण तक। ये गोष्ठ क्या है? हमारे अहंकार का। जब हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञान हमें हमारे अंदर अहंकार देता है। तो ये अहंकार क्या है? एक राक्षस की तरह है, जो हमें जब तक हम विनम्र नहीं होते, जब तक हमारे अंदर ये एहसास नहीं आता कि हम कृष्ण के दास है, जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो दास बनने की इच्छा नहीं आती है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं और वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ज्ञानी लोगों का यही अंत होता है कि वो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज ज्ञान का अहंकार उन्हें छोटा नहीं बनने देता। वो समझते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो वो जो मायावादी लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन होकर, मतलब वो खुद भी वो सोचते हैं कि अगर हम इस ज्योति में विलीन हो गए तो हम खुद भगवान बन जाएंगे। तो ये हो गया जो घोष्ट है, वो हमारे ज्ञान का अहंकार जो होता है वो घोष्ट है, वो हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचने देगा, यानी ये वेस्टर्न साइड हो गया। उसके बाद आता है योगी, जो मिस्टिक योगी होते हैं। तो मिस्टिक योगी क्या करते हैं? वो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करने के खूब बहुत सालों तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो जो वो काला स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमारे सेंसेस की तरह है। तो वो बहुत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सेंसेस होते हैं वो स्नेक की तरह होते हैं, वो कभी 100% कंट्रोल में नहीं आते। तो जो मिस्टिक योगी होते हैं, अगर उनको कुछ योगा करके जो मिस्टिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सिद्धि के कारण उनके अंदर प्रतिष्ठा आशा जाग जाती है और वो उस सिद्धि को दिखा दिखा कर दुनिया को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, यानी वो भगवान, वो खुद को ही भगवान जैसा मान लेते हैं और वो ये सब कुछ नाम और प्रतिष्ठा पाने के लिए करते हैं। तो जब तक हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है तो मतलब हमारे सेंसेस 100% कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो ब्लैक स्नेक है वो हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जब तक हमारे अंदर डिजायर्स हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने की चाह है, तो तब तक तो हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तो लास्ट क्या दिशा बची है? पूर्व दिशा, यानी ईस्टर्न दिशा। वो क्या है? भक्ति। केवल भक्ति, केवल भक्ति करने से ही हम कृष्ण रूपी जो ट्रेजर है, जो धन है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज सनातन शिक्षा में पढ़ा है। और इसके आगे चैतन्य महाप्रभु बहुत सारा बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो सृष्टि की रचना है, भगवान कैसे सृष्टि लीला करते हैं और भगवान के कितने अवतार होते हैं, मन्वंतर अवतार होते हैं, भगवान का युग अवतार होता है, और फिर ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि में भगवान कितने बार आते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जरूर आते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी का तो जो एक दिन होता है उसमें 14 मन्वंतर होते हैं, उसमें 14 मनु आते हैं। तो इस तरह इसके आगे की जो शिक्षाएं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है, तो वो इस सब चीज के बारे में है। तो इसके बारे में जो आगे की शिक्षा है उसके में क्लासेस मेरे पास है रिकॉर्डिंग, तो वो मैं शेयर करूंगी, बिकॉज ये बहुत उसके ही मैंने 6 क्लास लिए थे, तो बड़े बड़े क्लास हो जाएंगे। इसको मैं आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग ने कृष्ण तत्व में ये सब कुछ पढ़ा भी है, पहले ही किया है, तो आई एम नॉट कवरिंग दैट पार्ट। तो जो इम्पोर्टेंट था, यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति का इम्पोर्टेंस बताते हैं और बताते हैं कि वो 3 मेन गोल क्या है हमारा भगवान को प्राप्त करने का, जो संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, और अभिधेय के थ्रू यानी भक्ति के थ्रू हम उस संबंध को आगे बढ़ाते हैं जिससे कि हम अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सके, यानी हम अपने गोल को प्राप्त कर सके। हमारा गोल क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो इसके साथ हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे इस क्लास को, और इसके आगे का जो भी शिक्षा का जो मेरी क्लासेस हैं पिछले बार मैंने जो लिए थे, तो उसके रिकॉर्डिंग आई विल शेयर। और नेक्स्ट वीक से हम
दामोदर मास है, तो हम जो इस मास में हमें गोपी गीत है, दामोदर लीला है, तो हम इस पे क्लास लेंगे बिकॉज वो ज्यादा एप्ट रहेगा इस मंथ में लेना। और इसके जो रिकॉर्डिंग है वो आगे के वो हाँ आई विल शेयर। तो अभी किसी को कोई दिक्कत हुई है तो दे कैन आस्क एनी डाउट, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए अरिजीत। हाँ दीदी, जैसे आपने इसमें एक्सप्लेन किया कि जैसे ब्लैक स्नेक्स है वो हम लोगों को सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग चीजों को, तो इसमें जो डायरेक्शन आपने बताया कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि साउथ के साइड जाओगे तो वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, फिर वेस्ट को ज्ञान का? ये तो मुझे भी अभी नहीं पता क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा था यहाँ पे। ईस्ट ईस्ट जो होता है वो यहाँ पे सूर्य उदय होता है, तो आई अंडरस्टैंड लाइक दिस, बट मैं इसके बारे में और स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद ही आपको बता सकती हूँ बिकॉज इसमें नहीं लिखा था। मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आया था कि व्हाई इट इज रिटन लाइक साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो देयर मे बी सम रीजन बिहाइंड इट बिकॉज यूं ही तो नहीं लिखा है। I also know. So I will try to find out in another scriptures जहाँ पे इसके बारे में mention होगा, then I will let you know. I really don't know about it right now. ठीक है दीदी, दोनों दीदी। और एक क्वेश्चन था मेरे मन में, जैसे शास्त्रों में जो सोल है उसका पोजीशन बताए कि हम लोग के हार्ट में रहता है, फिर उसका साइज भी बताए कि क्या साइज है, बट जो हम लोग का सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, उसका पोजीशन बताया गया है कि शास्त्र में कहाँ पे हाँ हाँ रहता है, हाँ उसका साइज साइज है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, माइंड माइंड योर बिजनेस, बट माइंड इज नॉट हियर, माइंड इज लोकेटेड नियर द हार्ट। डू यू नो दैट इट इज मेंशन इन द शास्त्र, गुरुदेव हैज सेड दिस, उनके एक लेक्चर में मैंने सुना है, तो वो बताए थे कि हम हमेशा बोलते हैं माइंड योर बिजनेस, बट इट इज नॉट हियर, माइंड इज इन द हार्ट, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। तो माइंड इज माइंड, चित बुद्धि अहंकार, ये जो इनका लोकेशन है, इट इज नियर अवर हार्ट, इट इज नॉट समवेयर एल्स, इट इज गिवन अ पोजीशन, इट इज नियर अवर हार्ट, एंड बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट, तो क्या होता है कि ये हमारे जो हमारा सटल बॉडी है वो हार्ट के बहुत क्लोज होता है, यानी वो आत्मा के बहुत पास है, तो इट इज जस्ट नेक्स्ट बॉडी ऑफ द आत्मा। तो हम लोग बहुत बार कुछ सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा मन ही है, हमारी आत्मा की आवाज है, हम ऐसे बोलते हैं ये हमारी आत्मा की आवाज है, तो ये बहुत मतलब बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू अवर सोल, और सोल कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट, तो मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, इसका लोकेशन इज नियर द हार्ट। तो इसके वजह से क्या होता है, हम कभी कभी जो आत्मा का हम समझते हैं कि ये हमारी आत्मा बोल रही है, कभी कभी मन बोल रहा होता है लेकिन हम सोचते हैं कि वो आत्मा बोल रही है, इट इज सो क्लोज कि नेक्स्ट बॉडी है, जस्ट आत्मा का नेक्स्ट बॉडी है, सो इट इज करेक्ट, वो मैंने गुरुदेव के लेक्चर में सुना है जी। दीदी, जो फिर जो ब्रेन है फिर वो जस्ट एक फिजिकल एंटिटी है, उसका मतलब माइंड इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन उसका नहीं है एज सच? नहीं ऐसा नहीं, ब्रेन ब्रेन तो अपना एक फंक्शन है जो हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है, पूरे बॉडी मतलब हमारे सेंसेस का वो क्या बोल रहा है, तो वो ब्रेन के वजह से नर्व से हमें पता चल जाता है। तो एक्चुअली में मन जो है वो हार्ट के पास है, वेरी नियर टू द सोल। ओके दीदी, तो माइंड इंटेलिजेंस ईगो वो हार्ट में ही होता है हम लोग हार्ट के? के क्लोज है, हाँ, इट इज वेरी क्लोज टू द सोल, जिसके वजह से वो इट इज जस्ट द नेक्स्ट बॉडी ऑफ द सोल, तो जिसकी वजह से वो कभी कभी हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी आत्मा बोल रही है, बट समटाइम्स इट इज मटेरियल रीजन बिकॉज मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मटेरियल है, ये इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन वी गेट द रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, और जब हम उस शरीर को फाइनल शरीर को जब हम छोड़ेंगे, छोड़ के गोलोक जाएंगे, तब मन चित बुद्धि अहंकार भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा फाइनली, जो हमने अजामिल की कथा में पढ़ा था। यस इज इट क्लियर? दीदी, और एक चीज, जो माइंड इंटेलिजेंस ईगो है,
इसको मतलब एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो इंटेलिजेंस मन को कंट्रोल करता है, फिर मतलब जो उसका इंटरेक्शन है उसके बारे में कुछ रिविल्ड है शास्त्रों में? हाँ है, पूरा है, बहुत डिटेल में। तो जो हमारा मन होता है, अगर हम हमारा इंटेलिजेंस हमको बोलता है कि जैसे मन में अगर किसी चीज को देखते हैं, हम कुछ देखते हैं, अगर सामने रसगुल्ला रखा है तो मन बोलता है कि चलो इसको खा लो। जो इंटेलिजेंस होगा बोलेगा कि देखो आसपास कोई देखो, हम कोई ऐसी मतलब इंटेलिजेंस अपने तरीके से बताएगा कि नहीं अभी हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे सबके सामने कैसे इसको उठा के हम खा ले। जैसे हमने विंडो, जैसे हम मिठाई की दुकान से की ओर से गुजर रहे हैं और हमने दुकान में देखा बड़ी सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, तो मन क्या बोलता है कि चलो इसको लेके खा लो। तो बुद्धि बुद्धि हमें रोकती है, हमारे नहीं ऐसे तो नहीं हम उठा के सीधा खा ले बिकॉज वी आर नॉट एनिमल। तो बुद्धि हमें गाइड करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन उसको ओवर टेक कर लेता है और हम मन के, जब हम मन के अधीन होते हैं तो हम वो हम इंटेलिजेंस जो है वो बैक सीट ले लेता है और मन अपनी मनमानी करता है, और तब लोग बहुत गलत काम भी कर लेते हैं बिकॉज वो मन का सुन लेते हैं। तो मन का जब सुनते हैं तब गलत होता है, मन जब बुद्धि का सुनता है तब वो कंट्रोल में रहता है। इज इट ओके? इसके बारे में हमें ठीक है भगवद गीता बताता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ओके हरे कृष्णा पांचा कल्पयुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण वेद नमः। नमो जन्मत नमः, प्रणाम हरे एवरीवन, कृष्ण दीदी, जन्मत जन्मत प्रणाम प्रणाम सभी को, सिंधुभ्यो राधे राधे जन्मत राम प्रणाम जी, जन्मत राधे राधे प्रणाम राम जी, जन्मत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा।